नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे के दौरान आज दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर के हिंदू शिव आश्रम में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुना और उनके प्रार्थना पत्रों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को सभी आए हुए फरियादियों के मामले को समाधान एवं निस्तारण के लिए निर्देश दिए। साथ ही जनता दरबार में आए हुए बच्चों को चॉकलेट भी बांटे। सोनभद्र में बिजली विभाग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। हनुमान मंदिर तिराहे पर लोग सड़क जाम करते हुए नजर आए। एसडीओ और जेई को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े रहे। जमकर नारेबाजी की गई है। पीसीएल विभाग के रवैये से स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। बिजली गिरने से ओबरा और पीपरी के ट्रांसफार्मर जलने के बाद 36 घंटे से बिजली गायब है, जिसकी वजह से 625 केवी और पीपरी विद्युत केंद्र में लगा 40 MVA का पावर ट्रांसफार्मर चल गया है। ओबरा थाना क्षेत्र के VIP रोड पर लोगों का हंगामा लगातार जारी रहा। फरुखाबाद में दबंग शातिर अपराधी अवैध असलहे के साथ सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करते हुए फोटो वायरल कर रहा है। दबंग शातिर अपराधी के दोस्तों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। दबंग अपराधी रिजवान अली बताया जा रहा है, जो कि अवैध हथियारों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। शातिर अपराधी अवैध हथियारों के साथ फोटो डालकर हथियारों का प्रदर्शन भी कर रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। दिनेशपुर खुदीराम बोस स्टेडियम के पास 2,38,47,000 की लागत से ऑडिटोरियम का शिलान्यास पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे ने किया। इस दौरान दिनेशपुर नगर क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बांग्ला जात्रा गान के कलाकार, रामलीला के कलाकार, कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति से जुड़े कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि ऑडिटोरियम का मकसद इस क्षेत्र में तमाम जाति समुदाय के लोग अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए उचित की आवश्यकता थी, जिसका आज भव्य ऑडिटोरियम बनाए जाने का नींव रखा गया है। इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी और अपनी प्रतिभा आसानी से लोग दिखा सकेंगे। इस पूरे क्षेत्र में ललित कला को जिंदा रखने के लिए कई संस्थाओं के माध्यम से कलाकार यहाँ जुड़े हुए हैं और इन कलाकारों की कई वर्षों से मांग थी कि एक यहाँ ऑडिटोरियम बनना चाहिए। उसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने ऑडिटोरियम का पैसा स्वीकृत किया, टेंडर हो गया और आज उसका शिलान्यास किया है। मैं जो उदीयमान संस्कृत को जिंदा रखने वाले फाइन आर्ट के कलाकार हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि इस मंच से अभिनय करके खूब देश में आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करें। मैं सभी कलाकार बंधुओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। देखो भाई, बदलती हुई परिस्थितियों में हमें भी बदलने की जरूरत है और हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो तथ्यपरक होने चाहिए, आकर्षित होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए। पिछले दिनों जब इस लॉकडाउन के समय में जब रामायण दोबारा आई या महाभारत दोबारा आई तो सब लोगों ने जमकर उसको देखा ना, इसलिए क्योंकि वो प्रभावशाली तरीके से बने हुए थे। इसी तरीके से जो हमारे जो लोक मंच है उन लोक मंचों को हमें जो मजबूत बनाना पड़ेगा और अच्छी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी ताकि युवाओं को वो आकर्षित करे, उनको प्रभावित करे, यही इसका एक सबसे अच्छा रास्ता। ये हमारा जो संस्कृति थी ये लुप्त होने प्राय थे, लेकिन आजकल के नवयुवा जो है प्रतिष्ठा करके इस तरीके सम्मान से सम्मानित किया। जो पुराना कलाकार हैं, यात्रा नाटक जैसे भी बाउल गान, रामायण गान, इसके हैसियत के अनुसार जो सम्मानित किया है ये नवयुवक ने, तो इस तरीके का सम्मान आगे कहीं नहीं मिला। देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। ताजनगरी आगरा में रविवार को आम आदमी पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज जवाना ने भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला भी बोला।
मुरादाबाद में दबंगों ने पिता और बेटे को बेरहमी से पीटा है। मारपीट की घटना में पिता और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों का इलाज अस्पताल में शुरू हुआ। मारपीट की घटना का वीडियो भी सामने आया है। पहले गाली गलौज हुआ, उसके बाद जमकर मारपीट की गई है। दबंगों ने पिता और बेटे की बुरी तरह से पिटाई कर जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मझौला थाना इलाके के बैंक कॉलोनी की पूरी घटना बताई जा रही है। इसमें 24 अगस्त को इस छजलेट थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए, जहां मस्जिद नहीं थी, दो मकान थे, एक तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकीन का मकान, वहां एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गाँव से फरार हैं और अभियोजना प्रचलित है। हाथरस में स्कूली बच्चों का सफ़र आसान नहीं है। कहीं रिक्शा चालक लापरवाही तो कर रहे हैं, तो कहीं बस चालक और वैन चालक भी लापरवाही कर रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, उससे पहले भी हादसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही की गाड़ी यूं ही अपने ढर्रे पर आ रही है। देश प्रदेश में पूर्व में स्कूल वाहन चालकों की लापरवाही के चलते कई भीषण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें काफ़ी स्कूली बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हाथरस जिले के सलेमपुर में भी कुछ दिन पहले रिक्शा की दुर्घटना से एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसका प्रदेश मुख्य योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था। बच्चे की मौत से स्कूल संचालकों और जिला प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं खुली है। स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए और लाने के लिए ई रिक्शा चालक हो या वैन हो, वो लगी हुई है, लेकिन उसमें खचाखच बच्चे भर दिए जाते हैं। ये तस्वीर हाथरस के अलीगढ़ रोड की है, जहां पर ई रिक्शा चालक बच्चों को भूस की तरह भरकर आगे पीछे लटकाकर चल रहा है। बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। पीलीभीत में दो समुदाय के लोगों के बीच मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विकलांग युवक की शादी न होने पर अपशब्दों और गाली गलौज करने को लेकर दो समुदाय के लोगों के बीच कहासुनी हुई। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट के बाद कई लोग घायल हो गए। घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कोतवाली पूरनपुर इलाके के ज्ञानपुर मोहलिया गांव का एक पूरा मामला है। मैनपुरी में तालाब में नहाते समय तीन मासूम बच्चे पानी में डूब गए। तीनों मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे क्रॉसिंग के पास झोंकी डालकर जीवन व्यतीत कर रहे श्रमिक परिवार के तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं, जिनमें से पांच बच्चे नहाने गए थे। दो बच्चों ने जानकारी दी कि तीनों डूब रहे हैं। शहर कोतवाली के अंतर्गत का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत हाउस टैक्स और व्यवसायिक टैक्स में निगम बोर्ड के द्वारा दी गई छूट को शासन ने निरस्त कर दिया। अब वास्तविक टैक्स लोगों को नगर निगम में जमा करना पड़ेगा। नगर आयुक्त राहुल गोयल के मुताबिक 27 दिसंबर 2021 को बोर्ड प्रस्ताव में हाउस टैक्स और कमर्शियल टैक्स में 50-90% की छूट देने के प्रस्ताव को पास करते हुए वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल तक लागू करने का निर्णय लिया गया था। शासन की ओर से इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। आदेश की कॉपी नगर निगम को मिल चुकी है। गढ़वाल आयुक्त और लैंड फ्रॉड समन्वय समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार ने पुष्कर मंदिर मार्ग स्थित भूरी माई की धर्मशाला पर कब्जा लेने के आदेश नगर निगम को दिए हैं। संबंध में नगर निगम की मेयर अनीता ममगई ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने तत्काल एक्शन लेते हुए 4 सदस्यों की टीम कार्रवाई के लिए गठित कर दी है। पुलिस और तहसील प्रशासन के सहयोगी से जल्द ही भूरी माई की धर्मशाला पर कब्जा लेने की कार्रवाई नगर निगम शुरू करेगा। मेयर यहाँ पर प्रथम नागरिक यदि भारतीय जनता पार्टी का बनता है, तो जनता से वादा हमने किया था कि जितनी भी संपत्तियाँ जो खुर्द बुर्द हो रखी हैं, उन पे हम जांच बिठाएंगे और उन संपत्तियों को, उन आश्रमों को, उन धर्मशालाओं को उनके पौराणिक महत्व में वापस उनको लौटाएंगे। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है और मैं स्वयं को भी बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ को बोलती है उस चीज़ को करके दिखाती है। हमने उस चीज़ को साबित करा है। उसी का प्रकरण है कि पुष्कर मंदिर रोड आदर्श ग्राम पे जो शंकर भवन है, भूरी माई की धर्मशाला जो कि कई एकड़ों में फैली हुई है,
उस पर भी इसी प्रकार से अवैध कब्जे का प्रयास किया गया था। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गढ़वाल आयुक्त महोदय एवं अध्यक्ष लैंड फ्रॉड समन्वय समिति गढ़वाल मंडल, इनके द्वारा एक आदेश किया गया है जो हमें आज प्राप्त हुआ है, दिनांक 25 अगस्त 2022। इस आदेश में ये निर्देश दिए गए हैं कि नगर निगम और देहरादून जिलाधिकारी महोदय, इसमें जो है ट्रस्ट से संबंधित भूमि पर जितनी रजिस्ट्रियाँ की गई हैं उनके निरस्तीकरण किए जाने की कार्रवाई जो है शीघ्र अतिशीघ्र करें। लक्सर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल खानपुर में मामले की तहरीर दी गई थी, जिस पर खानपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए मामला दर्ज कर लिया था, जानकारी जुटाना शुरू कर दिया था। लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी इमिन सिंह नेगी ने बताया कि विवेचना के दौरान अंकित सैनी की बुआ के बेटे अंकुश निवासी चंदपुरी पर शक हुआ और उसे पकड़ लिया गया है। जब अंकुश से गहनता से पूछताछ की गई तो अंकुश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। चोरी किया गया सभी सामान बरामद कर लिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ। At GLA University.